तो अलग अलग बूथों से तमाम मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत देर से हम बहराइच का जिक्र कर रहे हैं, हमने सुल्तानपुर के हालात भी जानने की कोशिश की, इसके अलावा हमने अयोध्या के भी हालात जानने की कोशिश की है। अनुराग मेरे साथ जुड़े हैं गोंडा से, गोंडा में कैसी तस्वीर है, क्योंकि हमने से पहले भी मेरा गाँव मेरा देश में गोंडा को जानने की कोशिश की थी। अनुराग, अनुराग की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। गोंडा जिले आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, अनुराग बोलिए। जी जी, हम दर्शकों को बता दें कि गोंडा जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है, गोंडा सदर, करनैलगंज, सरफगंज, मनकापुर, गौरा सहित ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो रमापति शास्त्री हैं, वो चुनाव मैदान में, उनकी साख दांव पर। सांसद विभूषण शरण सिंह के पुत्र हैं गोंडा सदर से सूरज प्रतीक भूषण शरण सिंह, जो भाजपा से चुनाव मैदान में हैं, उनकी साख दांव पर। वही पूर्व मंत्री विनोद कुमार और पंडित सिंह के बेटे हैं सूरज सिंह, उनकी साख दांव पर है। तो कहीं ना कहीं गोंडा में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। एक पोलिंग स्टेशन जो वीरपुर पोलिंग स्टेशन है, वहां पर कुछ ईवीएम में खराबी आई थी, जिसकी वजह 30 मिनट तक वहां मतदान बाधित रहा। फिलहाल गोंडा में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। लोगों में उत्साह देखने को मिला, लोग ये कह एक नई सोच के साथ निकल रहे हैं कि पहले हम मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। तो ये एक नई सोच है लोगों में, और वो इन सोचों के साथ निकल रहे हैं कि वो मतदान पहले करेंगे फिर वो भोजन करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो वोट डालने आए हैं, क्या लग रहा है। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशा कांत है। हाँ, हम 80 साल के हैं और हम वोट डालने आए। पहले हम तो इन्होंने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे अनुराग, इन्होंने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, क्या लग रहा है इस बार? कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा। माता जी, आपने यहाँ पे बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत से प्रत्याशी आए, क्या लग रहा है इस बार कितना विकास हो पाएगा और कौन ऐसा लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? अब ये तो आगे पता चलेगा। हाँ। नहीं तो आप लोग वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आई है? कि विकास बढ़े। जैसे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कह रही है कि विकास को लेकर वोट डालने आई हैं। हमारे साथ एक युवा वोटर है, उनसे जानेंगे कि किस मुद्दे को लेकर वोट डालने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश श्रीवास्तव। ये दिव्यांश श्रीवास्तव जी, ये बताइए क्या अहम मुद्दे हैं इस चुनाव में, क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? मेरा तो मेन जो मैं वोटिंग देने के आया हूँ वो मेन है कि विकास की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। जितना ज्यादा विकास होगा हमारे एरिया का, देश का, उतना बेहतर है। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? समस्याएं क्षेत्र में बहुत सारी हैं, एक एक करके सारी अगर क्लियर होती जाए तो बहुत अच्छा। आप युवा है, रोजगार एक बड़ी समस्या है, क्या मानते हैं सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दिलाई जाए। और भी लाए हैं, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम आशुतोष सहाय है। हाँ बताइए, कहाँ आए हैं वोट डालने? हाँ वोट डाल दिया मैंने। हाँ, और हम लोग भी बैकलाम है, बस ये चाहते हैं इस वक्त और अच्छी सरकार, और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग वोट डालें कि इन्हें ये लगातार ये कह रहे हैं कि इन्हें वो सरकार चाहिए जो रोजगार दे, वो सरकार चाहिए जो विकास की गति पर आगे बढ़े। तो ऐसे में 5 सालों में बीजेपी लगातार ये भरोसा दिलाती आई है कि 5 सालों में प्रदेश का बहुत विकास हुआ है और आगे भी विकास करेंगे। तो इन 5 सालों से कितनी खुश है वहाँ की जनता, गोंडा की युवा कितने खुश है, महिलाएं कितनी खुश है? ये बताइए, जैसे 5 साल भाजपा की सरकार रही है, आप लोग कितना इनके कामकाज से खुश हैं, क्या लग रहा है आपको, इन्होंने कितना अच्छा काम किया है? भाजपा की सरकार ने काम अच्छे किए हैं, योगी जी ने भी काम अच्छे किए हैं, सभी ने काम अच्छा किया है भाजपा की सरकार में। आज जो गोंडा में विकास है वो भाजपा में ही दिखाई पड़ रहा है, पहले की सरकारों में इतना काम नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन अब भाजपा की सरकार में काम दिखाई पड़ा है। माननीय हमारे विधायक जी प्रतीक भूषण जी भी अच्छा कार्य किए हैं, बहुत 5 साल में विगत उनके बहुत ही अच्छा कार्य रहा है, और इस बार भी अगर जो भी प्रत्याशी जीते मेरा यह है कि गोंडा का विकास करे और गोंडा अच्छा खासा इस रूप में, क्योंकि गोंडा का नाम पहले बहुत ही खराब जिलों में नाम आता था, तो मैं चाहता हूं कि इस बार गोंडा का नाम अच्छे जिलों में नाम आवे, देश के एक अच्छा अच्छे जिलों में नाम आवे, स्वच्छ और सुशासन। और भी लोग इनसे जानेंगे कि किस तरीके से समस्या है, किन मुद्दों को लेकर वो डालेंगे। क्या नाम है आपका? नाम विपाल यादव। क्या लग रहा है इस बार चुनाव किन मुद्दों को लेकर हो रही है? के लिए हो रहा है इसमें कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चे लोग घूम रहे हैं, सब युवा लोग घूम रहे हैं। 5 साल जो भाजपा सरकार थी उनके काम काज से कितना संतुष्ट है? सब लोग संतुष्ट हैं, हम लोग की अच्छा काम हुआ है, सब लोग की यही समस्या है कि बेरोजगारी ज्यादा है,
मोदी जी ने अच्छा काम किया ही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग यहाँ पर बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करने आए हैं। और साफ तौर से आपको बता दें कि गोंडा अब पिछले 5 साल पहले जो गोंडा सबसे देश का गंदा शहर हुआ करता था, उस तमगे को गोंडा अपनी वो जो गंदा शहरों के लिस्ट में था उससे अब उभर चुका है। गोंडा विकास के तरफ अग्रसर है और आम जनता कह रही है कि विकास के मुद्दों पर वो चुनाव में वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल। और अनुराग, ये समझने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं क्योंकि गोंडा में हमने पहले भी आपसे बातचीत की है, आम जनता से बातचीत करने की कोशिश की थी। आम जनता का मुद्दा रोजगार ही है और आज भी रोजगार को लेकर वोट देने के लिए आम जनता निकली हुई है, मतदाता निकला हुआ है। तो इससे हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि वाकई वहां पर रोजगार की कमी है जो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए और ऐसी सरकार वो चाहते हैं। चलिए ठीक है अनुराग, मैं आपका रुख करूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। फरीद अहमद सुल्तानपुर से मेरे साथ बने हुए हैं। फरीद, 9 बज चुके हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी सुल्तानपुर में, कितने प्रतिशत वोटिंग अब तक हो चुकी है? क्योंकि आपके आसपास भीड़ तो मुझे नजर नहीं आ रही है। भीड़ मैं आपको दिखाता हूँ कि भीड़ मेरे अगल बगल है, लोग वोट देकर के अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। कुछ महिलाएं बैठी हुई, कहिए तो मैं इनसे बात करूं। आइए बात करते हैं इनसे, जानने की कोशिश करते हैं क्या रहा है, इनके मुद्दों पे वोट किया है। क्या नाम है आपका? शकुंतला जी, कहाँ क्या मुद्दा था इस बार आपका वोट देने के लिए? हमारा भैया हाथी है। नहीं, हमने निशान नहीं पूछा आपसे, हाँ। मुद्दा क्या है? विकास है, रोजगार है, राशन है, क्या है मुद्दा? सब कुछ हुए नहीं, कुछ मिला नहीं, राशन वगैरह मिला नहीं है। आपका क्या नाम है? शेखपति जी, क्या किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं आप? हम लोग जहाँ घर बनाए वहाँ सड़कें नहीं, सड़क ही नहीं बनी आज तक, सड़क ही नहीं। देखिए कुछ महिलाएं हैं जिनको, जिनका ये आरोप है कि इनको सड़क तक नहीं मिली है। और ये कुछ महिलाएं और भी हमारे साथ इनसे जाने कोशिश करेंगे। क्या नाम है माता जी? क्या नाम है आपका? रश्मि। किन मुद्दों पे वोट किया आज आपने? वोट दे क्या रहे हम? नहीं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या दिमाग में है? जीतेगा कुछ मुद्दे होंगे, विकास होगा, रोजगार होगा, बेरोजगारी कुछ ऐसा? कुछ रोजगार बात कुछ नहीं ना। घर में रोजगार वगैरह नहीं मिला लड़कों को? लड़कों को नहीं मिला है। राशन वगैरह मिलता है कि नहीं? राशन मिलता है। राशन मिल रहा है तो क्या राशन मुद्दा होगा इस बार? मेरा तो नहीं मिलता है, बच्चों को मिलता है, मेरा तो नहीं। चलिए ठीक है, एक भाई साहब भी है मेरे साथ, क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर के आज वोट डालने आए हैं? हमने इस मुद्दे पर वोट डाला है कि जो नौकरी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, बेरोजगारों को बेरोजगार रोजगार मिले। क्योंकि ये इस सरकार ने या जो भी सरकार है प्रेजेंट टाइम की, प्रेजेंट टाइम की सरकार ने रोजगार नहीं दिया है, बस यही एक सबसे बड़ी जो है मुद्दा। ये कुछ और लोग साथी हमारे साथ में है, क्या इनसे बात करें, कुछ क्या क्या मुद्दे है भाई, किस मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं? विकास और बेरोजगारी। पिछले 5 साल जो सरकार रही उससे राशन वगैरह जो दे रही है गवर्नमेंट के, इनका मुद्दा नए नवयुवक भी हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या मुद्दे हैं इनके और किन किन मुद्दों पे इन लोगों ने वोट डाला। कुछ ऐसे युवा भी हैं जो आज पहली बार शायद वोट डाले हैं। क्या नाम है आपका? किन मुद्दों पे वोट डाला है? मुद्दे क्या है? ये है कि जो है रोजगारी मिलनी चाहिए नौजवानों को, और भाजपा के राज में जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ मैम, जो हाँ मैम, हाई लाइट के मानते हैं कि 5 साल गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया है, काम नहीं किया है, इसीलिए तो जो है नौजवान और क्या आपने वोट डाला है? वोट है आपका? किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप? बेरोजगारी, बेरोजगारी, रोजगार की कुछ। चलिए ठीक है फरीद, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं सुल्तानपुर में आम जनता के क्या मुद्दे हैं। यहाँ अनुराग के पास मैं जाऊंगी, गोंडा से बने हुए हैं। उससे पहले
यहाँ अयोध्या से हिमांशु भी मेरे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अयोध्या में कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुका है, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, 9 बज चुका है। अयोध्या